अब मैं सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग शुचित शर्मा मैम से आग्रह करूंगी कि वे हमारा मार्गदर्शन करें मैम वी वीसी साहब चारण साहब अलका स्वामी जी डीन ऑफ द यूनिवर्सिटी फैकल्टी यहाँ पार्टिसिपेंट कर, पार्टिसिपेट करने वाले पैनलिस्ट जो इस वेबिनार को में सम्मिलित हो रहे हैं सुन रहे हैं वे सभी स्टूडेंट्स फैकल्टी आप सभी को मेरा नमस्कार और इस बात के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं कि हम सब इस जो भयंकर क्राइसिस है जो कोविड नाइन्टीन क्राइसिस है उसमें हम सब सुरक्षित है इस समय बचे हुए हैं तो ये भगवान को अनेक धन्यवाद उसका मेरी सबके लिए शुभकामनाएं भी यही हैं कि सब अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अच्छे से जो भी नॉर्म्स हैं उसका पालन करते हुए अपने जीवनचर्या करें सबसे पहले तो मुझे बहुत ही खुशी होती है चारण साहब की आइडियाज को देखकर और वो सिंपली आइडियाज ही नहीं है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उन आइडियाज को और बहुत डिफरेंट जो चीज़ है उसको उन्होंने एक एग्जीक्यूट करके बता दिया है जो सामान्यतया हमें दिखता नहीं है एजुकेशन सिस्टम में बहुत बहुत बधाई चारण साहब और आपने आनंदम को भी अब इसमें कोर्स में सम्मिलित कर लिया ऑलरेडी प्लेटफॉर्म आपका ह्यूमन वैल्यूज के लिए तैयार था अभी जो अलका स्वामी जी भी वास्तव में बहुत अच्छे ढंग से इसको एंकर कर रही हैं और कोऑर्डिनेट कर रही हैं और समझ आ रहा है कि इनको बहुत गहरी समझ है इस विषय में मैं यहाँ ज्वाइन किए हुए मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ मुझे आठ महीने ही हुए हैं और इससे पहले मैं शिक्षा के क्षेत्र में मेरा पोस्टिंग कभी भी नहीं रहा चाहे वो स्कूल शिक्षा हो चाहे उच्च शिक्षा हो थोड़ा समय के लिए मैं तकनीकी शिक्षा में 2006 से 8 के समय में जरूर थी लेकिन वो इतनी डिसाइसिव लेवल नहीं था लेकिन ये ऐसा पहला अवसर मिला है मुझे और पहली बार मैं शिक्षा से सीधे इस ढंग से जुड़ी हूं शिक्षा के बारे में एक जो तकलीफ हम सभी को होती थी शिक्षा के बारे में जो एक जनरल एक पब्लिक के रूप में एक जनरल पेरेंट्स के रूप में स्टूडेंट्स के रूप में जो भी एक फीडबैक स्टूडेंट जो भी शिक्षा के बारे में रहता है एक हमारे मन में एक डिससेटिस्फेक्शन uh, एक असंतोष है कि ये शिक्षा केवल uh, नौकरी चाहने वालों को पैदा कर रही है लेकिन असंतुष्ट लोगों को पैदा कर रही है यहाँ पर जो सामान्य जीवन मूल्य हम जो उस समय अपने इवन uh, जो uh, हमसे भी पहले जो uh, लोग थे उनके समय में जो संस्कार या जो मूल्यों की बात थी या जो प्रेम भाव था जो सौहार्द था वो हमारी जनरेशन में थोड़ा कम हुआ और अब तो इस जनरेशन में और भी कम दिख रहा है तो इन सब के लिए मैं सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल एक बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है हमारी शिक्षा व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करने के विचार न जाने कितने समय से होते रहे हैं जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद भी सबसे पहले ये सोचा गया कि ये जो मेकोलियन शिक्षा पद्धति है इससे हम कैसे बचें? लेकिन सारे प्रयासों के बावजूद भी कि हमारा जो माइंडसेट इस ढंग का बन गया था तो हमारे लिए वही एक ब्रिटिश पद्धति की शिक्षा जो बाकायदा एक बाबुओं को पैदा करने के लिए शिक्षा व्यवस्था बनाई गई थी उसी से हम चिपके रहे उससे हम पूरी तरह से हटे नहीं कई कमीशन्स बने और बड़े अच्छे अच्छे शिक्षाविद भी जुड़े और सब ने ये फील किया कि शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए शिक्षा में एक सकारात्मक परिवर्तन बहुत ज़्यादा आवश्यक है लेकिन हम ज जो सामान्यतया जब रिपोर्ट्स निकल कर आई और जो कुल मिला के जो पॉलिसी में जो नज़र आया वो यही हुआ कि इतने स्कूल्स खुल जाने चाहिए इतने कॉलेजेस खुल जाने चाहिए उसमें फैकल्टी होनी चाहिए फैकल्टी की क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए उनकी तनख्वाह ये होनी चाहिए इसके बियॉन्ड हम शिक्षा को के बारे में सामान्यता या नहीं सोच पाए जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है सब ये फील करते रहे लेकिन इसको किस ढंग से आ, इसमें ऐसा परिवर्तन किया जाए जिससे कि हम एक सकारात्मक सोच का युवा सकारात्मक सोच का बच्चा हम इस शिक्षा व्यवस्था से हम आ, निकाल सकें उसका जो शिक्षा व्यवस्था का एक पॉजिटिव आउटकम हो हम ऐसा सही तरीके से या तो हम सोच नहीं पाए या सही तरीके से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए लेकिन ये हम सबके सब, सब महसूस करते रहे कि इसमें कोई मूलभूत कोई फंडामेंटल चेंज की आवश्यकता है तो फंडामेंटल चेंज के लिए मैंने जब यहाँ ज्वाइन किया तो मेरे दिमाग में हम बचपन में डिबेटिंग किया करते थे डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते थे तो विद्या के बारे में अक्सर बोला करते श्लोक्स हम रटते थे विद्या के बारे में निबंध लिखते थे और विद्याधन सर्वधनम प्रधानम न न और राज्यम नई तरीके की आपनोती धर्मम तथा सुखम बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हम करते थे एक मुझको जो श्लोक मेरे दिमाग में कौंधता था जो हमारे उपनिषद में ही कहीं कहा गया है वो है सा विद्या या विमुक्त विद्या या वो है जो आपको विमुक्त करे अब विमुक्ति क्या है मतलब जो हमारी विद्या का जो हमारे एंशियंट ऋषियों ने जो हमारे जो हमारे सीयर्स ने जो विद्या को जो सोचा था वो उसको केवल विद्या को एक नौकरी देने वाली विद्या के रूप में नहीं सोचा था विद्या को एक पूरे व्यक्तित्व निर्माण के लिए एक पूरे क्या कहना चाहिए जो एक चेतना को उन्नत करने के लिए विद्या का उपयोग इस ढंग से विद्या को सोचा गया था तो हमारी जो, जो विभिन्न हम लोग जो आते हैं हम कहा, जहां से आते हैं, कोई नहीं जानता, हम कहा जाते हैं इस जीवन के बाद वो भी कोई नहीं जानता लेकिन एक खोज में प्रत्येक मनुष्य लगा रहता है हर एक को एक अंदर से एक खोज होती है हमारे ऋषियों ने उसी खोज के परिणाम स्वरूप इन बातों पे निष्कर्ष तक पहुंचे थे कि विद्या वो है जो हमें विमुक्त करती है और हर हर एक की चेतना को उन्नत करती है उसको विमुक्ति की तरफ लेकर जाती है लेकिन हमारी विद्या सीमित हो गई कालांतर में कई तरह के इतिहास उसके कारण है बहुत सारे रीजन्स हैं उसका कोई अर्थ आज उसको विवेचन विश्लेषण करने का कोई अर्थ नहीं है लेकिन अब जो हमारे सामने जो विद्या व्यवस्था है वो ये है कि हम ये सोचते हैं कि आ, इवन जब बच्चे को आज फर्स्ट क्लास में एडमिशन करवाने जाते हैं पेरेंट्स उनके दिमाग में होता है कि बच्चे को क्या बनाना है डॉक्टर इंजीनियर लेक्चरर प्रोफेसर या कुछ मतलब कुछ ना कुछ बनाना है बच्चे को तो ये बनाना जो है ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये ही रॉन्ग है बच्चे को हम बेसिकली आनंद से आए हैं आनंद के लिए ही जीते हैं सारा जो संघर्ष है हमारा आप अगर कभी भी अकेले में बैठकर सोचेंगे तो पता पड़ेगा कि जीवन जो है हम सब कुछ आनंद के लिए ही करते हैं हम कहीं कोई खेलते हैं तो वो भी आनंद के लिए होता है कोई नृत्य करते हैं कोई पेंटिंग करते हैं कोई खाना खाते हैं उन सब में हम आनंद की खोज करते रहते हैं निरंतर आनंद की खोज करते हैं और उस आनंद की खोज करते करते हमने अपने आप को सीमित कर लिया कि एक पैसा अचीवमेंट होता है पैसा प्राप्त करना है पैसे से आनंद आ जाएगा पैसे से आनंद नहीं आया पैसा हमारे हमारे आनंद के ऊपर हावी हो गया तो आनंद हमारा टोटली मिसिंग हो गया हमारे सारे कॉन्सेप्ट से सारे लाइफ में हमारा आनंद मिसिंग हो गया जबकि हम जी आनंद के लिए रहे और अल्टीमेटली हम आनंद में ही विलीन हो जाएंगे तो इस बारे में सोचते सोचते मेरे दिमाग में एकदम एक दो अक्टूबर को मैं महात्मा गांधी की जयंती पर मुझे कहीं बोलना था कहीं मुझको विशिष्ट अतिथि बना रखा था किसी कॉलेज में मेरे को ज्वाइन किए हुए सात आठ दिन हुए थे कॉलेज इसमें हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन में तो मेरे दिमाग में एकदम आया मैंने कहा महात्मा गांधी का जीवन अपने आप में एक उदाहरण है अनुकरणीय है तो उसमें ट्रस्टीशिप का जो उनका नोशन है ट्रस्टीशिप का जो कॉन्सेप्ट है उसमें सिंपल यह है कि हम देने से ही आनंदित होते हैं हम हम ग्रहण करने के लिए नहीं बने हुए हैं ग्रहण करने में आनंद नहीं है देने में आनंद है बोलते बोलते ही मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं इस जॉय ऑफ गिविंग को इस आनंद देने के आनंद को हम अपने करिकुलम का मैंडेटरी पार्ट <coughs> बना लें कि इम्पॉर्टेंट पार्ट बना लें एसेंशियल पार्ट बना लें और वहां से ये शुरू हुई खोज मैंने वीसीज की इसमें चारण साहब हमारे जुड़े उस टास्क फोर्स में हमारे आई की वी थे आर की वी थे और दो तीन वी थे इसके अलावा कुछ एन थे इनके साथ मैंने वर्कशॉप की और इस पर चिंतन किया किस जॉय ऑफ़ गिविंग को किस ढंग से हम एजुकेशन का पार्ट बनाए जिससे हमारी शिक्षा जो है एक संपूर्ण किस्म की शिक्षा बन सके और आप लोगों ने चारण साहब की बातों से चारण साहब के खुद के पास बहुत अच्छे उदाहरण है बिल्कुल सही ढंग से यह आनंद को सही ढंग से समझ रहे हैं समझ पा रहे हैं और ऐसे प्रोफेसर और ऐसे वी हों तो क्या बात है मतलब ये शिक्षा जगत को कितना कुछ सही मायने में दे सकते हैं तो आप से और इसी ढंग से हमारे आर की वीसी जुड़े वो भी देने के आनंद में अपनी सैलरी ही दान कर देते हैं तो उनके में भी देने के आनंद का अनुभव था आर टीयू की आनंद हमने फिर नाम करते करते इसमें नाम खोजा इस विषय का आनंदम और फिर इसको हमने क्रिस्टलाइज कर लिया अः चारण साहब वगैरह सबके सहयोग से और ये तय हुआ कि हम इसको करिकुलम में लागू करने जा रहे हैं अब करिकुलम किस ढंग से हो ये मेरे दिमाग में बिल्कुल तय था कि इनफैक्ट हर व्यक्ति जो है हर मनुष्य हर व्यक्ति अच्छा होता है मैं बेसिकली मानती हूँ कि बेसिकली हर व्यक्ति अच्छा होता है उसकी परिस्थितियां उसको कुछ ना कुछ अलग करने को मजबूर कर देती है एक सेकंड में एक फोन अटेंड करू एक सेकंड हेलो ओके थैंक यू तो उसमें जो इन्हें इनेट क्वालिटीज हैं करुणा और मैत्री की जो काइंडनेस और शेयरिंग की जो उसकी इनेट क्वालिटीज हैं उसको कैसे हम इवॉल्व करें कैसे हम उसको पनपाएं उस बच्चे का उस बच्चे के अंदर जो क्वालिटीज हैं जो हर मनुष्य के अंदर क्वालिटीज हैं उसकी अच्छाई इस बेसिक क्वालिटी जो उसके अंदर छुपी रह जाती है दमित रह जाती है उसको हम शिक्षा के माध्यम से कैसे इवॉल्व करें शिक्षा का पार्ट बना के तो मेरे मन में आया कि हर दिन क्योंकि हर कोई हर दिन कोई ना कोई अच्छा कृत्य जरूर करता है चाहे वो अपनी माँ का सपोर्ट कर रहा है या माँ को कहीं मदद कर रहा है दादी की मदद कर रहा है या पिताजी के लिए कहीं कुछ मदद कर रहा है भाई की कर रहा है अपने क्लास फेलो की कर रहा है रास्ते में चलते किसी ब्लाइंड पर्सन की किसी हैंडी की किसी के लिए छोटा मोटा काम चाहे वो बस में उठ के अपनी सीट किसी और को दे रहा है कोई प्रेग्नेंट लेडी मिल, ए, मिली तो उसके लिए कुछ चिंता कर रहा है जो बच्चा मतलब बच्चे में जो करुणा की भावना है उस करुणा की भावना को हम कैसे विकसित करें तो ये निष्कर्ष निकाला कि एक डायरी में वो बच्चा हर दिन अपना एक गुड एक्ट दर्ज करेगा वो डायरी आनंदम के पीरियड में वो लेकर जाएगा उस डायरी में हम कोई जजमेंट नहीं करेंगे सिंपल वो डायरी जो आनंदम की क्लास में जो टीचर है कोई भी टीचर उस आनंदम का टीचर बनेगा क्योंकि हर हर फैकल्टी का कोई स्पेशल इसमें ना कोई स्पेशल किसी प्रकार की किताब हम लगाएंगे आनंदम में ना किसी प्रकार का कोई लेक्चर होगा सिंपल वो बच्चा जो एक अच्छा काम कर रहा है वो अच्छा काम शेयर करेगा क्लास में उसमें आठ दस दस बारह जितने भी उस आधे पौन घंटे की क्लास में जितना भी कैपेसिटी है उतने बच्चों का हम थोड़ा सा सुनेंगे बाकी वो डायरीज को एंटर कर लेंगे कि हाँ उन बच्चों ने अपना एक कृत्य यहाँ पर एंटर किया ये सब कंप्यूटराइज एंटर करवाएंगे दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है वो बच्चे जो हैं ग्रुप्स बनाएंगे क्लास में और कोई ना कोई कम्युनिटी डेवेलपमेंट्स कम्युनिटी हेल्प से रिलेटेड कम्युनिटी सर्विस से रिलेटेड कोई ना कोई, कोई प्रोजेक्ट वो अपने आप चयन करेंगे कुछ मेंटोर uh, जो है जो टीचर है वो उनको गाइड कर देंगे कि इस इस तरह के प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं और उस प्रोजेक्ट पे वो वर्क करेंगे छह महीने तक उसमें कुछ भी हो सकता है चाहे वो आ, वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है एनवायरमेंट के किसी और पक्ष से रिलेटेड है किसी विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड है सैनिटेशन से रिलेटेड है आज कोविड की क्राइसिस है इससे रिलेटेड कुछ आ, मदद के लिए हो सकते हैं और इंजीनियरिंग के बच्चे बहुत सारे आविष्कार इसके माध्यम से कर सकते हैं कोई नई चीजें सोच सकते हैं किसी की मदद करने के लिए तो इस ढंग के कोई प्रोजेक्ट वो बच्चे टेकअप करेंगे और वो पंद्रह पंद्रह दिन में उन प्रोजेक्ट्स के बारे में टीचर रिव्यू करता रहेगा महीने के अंत में एक जनरल रिव्यू होगा जिसमें उस जगह के कोई एस या कोई अच्छे फिलमथ्रोपिस्ट जिन जिनका अच्छा अनुभव है ऐसे परोपकारी कार्य करने का सामुदायिक विकास से रिलेटेड कोई कार्य करने का ऐसे लोगों के बीच में बच्चे अपने प्रोजेक्ट शेयर करेंगे कुछ उनको फीडबैक मिलेंगे बच्चों को इस मामले में कुछ एनजीओ की मदद भी मिल जाएगी ये बीसी पर और एच पर निर्भर करता है कि वो अच्छे एनजीओ को जोड़ेंगे और वो बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स करेंगे इन प्रोजेक्ट्स का इवेल्यूएशन होगा बाय प्रोजेक्ट इवेल्यूशन कमिटी और इन बच्चों इन प्रोजेक्ट्स में उनको ग्रेड्स मिलेंगे ए बी सी ग्रेड्स मिलेंगे वो एक पूरा हमने तय कर दिया ये जो प्रोजेक्ट है आनंदम जो है इसको हर सेमेस्टर में दो क्रेडिट का रखा जाएगा सपोज आपके टोटल क्रेडिट्स आपके इंजीनियरिंग के कोर्स में 180 हैं, अस्सी हैं, एक तो उसमें से 16 क्रेडिट्स जो हैं आनंदम के होंगे अब आप सोच के अब ये सोचिए ये कितनी महत्वपूर्ण चीज हो जाएगी आनंदम और बच्चा जब इसमें क्योंकि ये क्रेडिटेड कोर्स है तो बच्चा इसको सीरियसली लेगा सीरियसली काम करेगा सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेगा उसकी क्रिएटिव स्किल्स जो है इसके बहाने एक्सप्रेस होंगी उसकी गुडनेस इसके बहाने एक्सप्रेस होगी उसकी काइंडनेस इसके बहाने एक्सप्रेस होगी, और शेयरिंग की जो अंदर की जो दमी हुई, दबी हुई इच्छाएं, वो और इससे उसको, उसको आनंद देगा ये उसका फ्रस्ट्रेशन दूर करेगा नहीं तो आज का जो सीमित पाठ्यक्रम है सीमित शिक्षा जो है वो केवल बच्चे को की फर्स्ट ईयर में घुसता है इंजीनियरिंग में मैकेनिकल में घुसा कि जॉब सर्च करना शुरू कर देगा जॉब की इंटर्नशिप के लिए सर्च करना शुरू करेगा ये इनके इन प्रकार वो जॉब लेगा जॉब नहीं मिलेगा तो उसको अंदर उसके में डिप्रेशन उसके में तकलीफ होनी शुरू होगी कई बार मेंटल इलनेसेस इस हद तक हो जाती है कि वो सुसाइडल टेंडेंसीज आने लग जाती है फेलियोर के बेवजह की उसके अंदर जो एक अजीब से नोशल नेगेटिव उसके नेगेटिव थाट्स आने लग जाते हैं ये सारी चीजों से बच्चा बचेगा और रियल कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा सोसाइटी में इस बहाने सोसाइटी में आप देखिए ये जो यूथ है हमारा ये कितना कीमती यूथ है कितना वैल्यूएबल यूथ है ये कितनी वैल्यूबल एनर्जी है ये एनर्जी राइट डायरेक्शन में चैनलाइज होगी ये बच्चे मैं ये मानती हूं कि बहुत सारे बच्चे बहुत बहुत अच्छे काम करना चाहते हैं लेकिन उन अच्छे कामों को क्योंकि रिकग्निशन नहीं होती हमारे मार्क्स सिस्टम में हमारे एग्जाम सिस्टम में हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो बच्चे बेचारे एक उनकी जो ये इच्छाएं दबी रह जाती हैं और वो रटने में और केमिस्ट्री के फार्मूले एक्टिविटी सीरीज रट रहे हैं कोई न्यूटन लॉज रट रहे हैं और सर्किट के डायग्राम्स बनाने में रट रहे हैं रट रटन तरी में ही सारी शिक्षा उनकी समाप्त हो जाती है और वो बच्चा जो उसका खुद का जो खुद का सेल्फ है जो असली जो बच्चा है वो उससे डिटेच होता है इसलिए वो उससे एलियनेटेड हो जाता है उस सारे सिस्टम से उसको घुटन होती है वो अलग मीन अख्तियार करता है कोई चीटिंग कर रहे हैं कोई गलत रास्ते से मार्क्स प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सोचिए कि जिस दिन ये ऐसा फ्रूटफुल काम करने शुरू करेगा उसको सोसाइटी की समस्याओं का पता पड़ेगा उसको लगेगा कि मुझसे भी ज्यादा दुखी दूसरे लोग हैं मैं कितना सुखी हूँ मुझे भगवान ने कितना कुछ दिया है ये सारी चीजें एक जो और इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे पर पीयर्स को हेल्प करना ग्रुप में काम करेगा एक दूसरे की मदद करना एक दूसरे को से के प्रति जेलस होने की बजाय कॉम्पिटिटिव होने की बजाय आपस में जो मदद करेंगे जो आपस का जो सौहार्दपूर्ण ये लोग आनंद लेंगे वो है असली आनंदम तो मेरे सारे आनंदम का मकसद ये था और मैं पुनः बधाई देती हूँ हमारे चारण साहब को और बहुत बहुत तहे दिल से मैं इनको धन्यवाद देती हूँ दे धन्यवाद कि इन्होंने सबसे पहले इस आनंदम को पाठ्यक्रम के रूप में लागू कर दिया आप लोगों का ह्यूमन वैल्यू ऑलरेडी पाठ्यक्रम आपका इतना बढ़िया ग्राउंड तैयार है इतनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं इतने सारे वर्कशॉप आप कर रहे हैं और आ, मैं तो पेरेंट्स के उसके सिस्टर के मुंह से सुन रही थी जो चांदनी जो बोल रही थी कि उनको कितना अच्छा अनुभव हुआ है अभी जो सारा जो कोविड क्राइसिस ने हमको सिखाया जब हम घरों पे सीमित रह गए तब हमको लग रहा है कि मिनिमलिस्ट ऑफ लाइवली लिविंग आने लगा है कि हम कम से कम चीजें रखें और ज्यादा से ज्यादा आनंदित रहें तो ये सारी चीजों के लिए आनंदम है और मैं पुनः पुनः धन्यवाद देती हूँ आज सारी वर्कशॉप जो वर्कशॉप वक्षा, आयोजित की है मुझको जो आमंत्रित किया है मुझे बोलने का मौका दिया है आप सभी को धन्यवाद और मैं चाहती हूँ और सबको शुभकामनाएं देती हूँ कि ये इस ढंग से ये ईश्वर प्रदत्त कोई प्रेरणा है और ये निश्चित रूप से फलीभूत होगी अभी अजमेर यूनिवर्सिटी ने लागू कर दी आर यू राजस्थान यूनिवर्सिटी लागू करने वाले हैं आर में होने वाला है पॉलिटेक्निक्स में हम लागू कर चुके तो ये सेशन जो है कोविड का जो अंधेरा है हमारा आनंदम का ये सत्र दूर करेगा धन्यवाद धन्यवाद मैम